हमको नौकरी चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। एक दिन के लिए भी अगर शपथ ग्रहण करता है उसके पूरे जिंदगी भर उसको पेंशन मिलता है, परिवार को घर मिलता है, नौकरी तरह तरह का आरक्षण मिलता है उसको। जाओ गाड़ी का तेल फ्री है, साला टैक्स फ्री है, घर में राशन फ्री है, लाइन बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन उसको पेंशन चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार के लाए गए अग्निपथ स्कीम के विरोध में आर्मी की तैयारी कर रहे छात्रों ने राघोपुर पेट्रोल पंप वैशाली पहाड़पुर में आगजनी कर प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों का कहना है कि मोदी सरकार जो कानून लाई है उससे हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। चार साल की नौकरी में यह लोग क्या कर पाएंगे और जब चार साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो वह क्या करेंगे। छात्रों का कहना है कि उनके कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वह जी जान से पाँच साल, कोई दो साल, कोई छः साल से मेहनत कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है और उसे और सबसे मेन कारण यह है कि पिछले दो वर्ष से कोई भी आर्मी की भर्ती नहीं निकली है, जिसके कारण कितने छात्रों का उम्र लगभग एक्सपायर हो गया है। इसी को लेकर छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन किया एवं इस प्रदर्शन से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो एनएच है वह आपको पटना, हाजीपुर, मानिकपुर, सरैया, वैशाली और पारू को जोड़ता है, जो कि बराबर यह चालू सड़क है। जाम की स्थिति से यहाँ आम लोगों को यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक यहाँ पर कोई भी शासन और प्रशासन का यहाँ पर छात्रों का हाल खबर लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। तिरहुत लाइव संवाददाता नागेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं नागेंद्र कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पहाड़पुर। जो छात्र आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों के लिए, आइए हम यहाँ युवा जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं, उनके साथ क्या अन्याय हुआ है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हर इंडियन चाहता है और हर युवा चाहता है, जो 16-17 साल का उम्र का लड़का है आजकल के डेट में, उसमें से 80% युवा जो है आर्मी का सपना देखते हैं और अपने आप को जी जान से उसमें झोंक देते हैं। लेकिन उनके साथ जो मोदी सरकार अन्याय कर रहे हैं, उनके छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि कृपया आप ज्यादा अपना जो हक मांग रहे हैं उसको शांति ढंग से मांगे और जरूर हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे। तो छात्रों से हम बात करना चाहते हैं। जी, आप यहाँ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके साथ जो ये पूरा छात्र है, किस कारण वजह से और क्या आपको दुख है, कृपया इसको बताइए। देखिए, जैसा कि पूरे देश में आप देख रहे होंगे अभी छात्रों का आंदोलन चल रहा है। जी, हमारे देश में जो हमारा सरकार है, ठीक है, हमारा जो सरकार है बहुत ही बेकार सरकार है। हमारे देश के हर एक चीज को बेचने के पीछे लग गया है। जी, यहाँ तक कि अब इसका नजर जो है सेना पे भी पड़ गया है। यहाँ पे जो है सेना में भी अब ठेकेदारी ला दिया गया। चार साल का मतलब क्या होता है बताइए। एक बच्चा सेना में जाने के लिए अपने उम्र से पहले चार साल नहीं, पाँच साल का एनसीसी का तैयारी करता है। जी जी, पाँच साल एनसीसी का तैयारी करके आप उसको चार साल का नौकरी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? नौकरी नहीं है सिर्फ, ये देश सेवा है। और यहाँ पे बच्चा सिर्फ नौकरी के लिए और पैसे के लिए नहीं जाता है, देश का सेवा करने के लिए जाता है। कैसे कर पाएगा चार साल में? आप उसको चार साल में वापस घर फेंक दोगे, यहाँ आके वो क्या करेगा? उसके पास क्या रहेगा? उसके पास जीने का आधार क्या है? जो जोश उसके पास वहाँ था, क्या वो घर पे आके रह पाएगा? आप यहाँ आएगा, आप उसको कहिएगा गार्ड का नौकरी करो, क्या जो इज्जत से जो फौजी बना वो यहाँ गार्ड का नौकरी कर पाएगा? धरना प्रदर्शन किसी का हिंसा फैलाना नहीं है। हमारी मांग पूरी हो जाए हम धरना तोड़ देंगे। हमारी मांग यही है कि टीओडी वापस करो, हमारी जो पिछले बहाली जो ग्राउंड फीटर मेडिकल फीटर उनका परीक्षा बच्चा हुआ होना चाहिए, ले लेंगे आराम से, अपना धरना तोड़ देंगे। देखिए, यदि ये जो सरकार का जो महत्वाकांक्षा है यदि वो वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में युवा खास करके जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो नंगा प्रदर्शन करेंगे। याद रखिए, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये बताना चाहते हैं कि जो देश पूरे
दूसरे देश से जो तुलना कर रहा है, हमको अपने अपने देश से प्यार है, हमारे अपने वर्दी से प्यार है और हमारे ये मिट्टी से प्यार है। हम दूसरा देश की तुलना हम नहीं करेंगे। और ये मोदी सरकार आइडियोलॉजी पे जो काम करती है, ये आइडियोलॉजी पे काम नहीं चलेगी, ये धरती पे काम चलती है। हमारे देश के फौजी नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, देश सेवा के लिए जाते हैं। वो जुनून उनका कम नहीं होना चाहिए। आप चार सरकार थी उस पर थोप के आप उसका जुनून कम कर रहे हैं, आप उसकी जिम्मेवारी खत्म कर रहे हैं। क्या आप देना चाहते हैं उसको? आप उसके देश सेवा की कीमत मात्र 10 लाख रुपया लगा रहे हैं। यही है कि आओ चार साल खटो, रिटायर हो और 10 लाख रुपया लेके चले जाओ यहाँ से, और घर जाके करोगे क्या? कहीं गार्ड का नौकरी, किसी के पास अधिकार। इस देश में पहले जाना था जय जवान और जय किसान, यही नारा था। लेकिन ना हमारे देश में आज किसान सुरक्षित है और ना ही जवान सुरक्षित है। हर जगह एक नेता एक दिन के लिए भी अगर शपथ ग्रहण करता है, उसके पूरे जिंदगी भर उसको पेंशन मिलता है, परिवार को घर मिलता है, नौकरी तरह तरह का आरक्षण मिलता है उसको। जाओ गाड़ी का तेल फ्री है, सलाह टैक्स फ्री है, घर में राशन फ्री है, लाइन बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन उसको पेंशन चाहिए। वो एसी में चलेगा। और जो ऐसा साइंस कहता है कि 45 डिग्री के ऊपर ह्यूमन बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है गर्मी, लेकिन हमारा जो फौज है हमेशा 49 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में, माइनस पूरा वर्दी में, माइनस टेम्परेचर में हमेशा खड़ा रहता है इस देश की सेवा के लिए। और आप उसको आज कह रहे हैं आओ यहाँ चार साल खटो। देख सकते हैं लंबाई बहुत ही लंबा जाम है। यहाँ से कुछ स्थानीय लोग भी हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग गाड़ी वाले जी। आप जी, आपका नाम? शत्रुघ्न पासवान जी। आप यहाँ कितनी देर से जाम में फंसे हुए हैं? थोड़ा तेज बोलिए, कोई अच्छा नहीं। पौन घंटा के लगभग, 1.5 घंटा से जाम है। और भी मौजूद है जी। चाचा आपका नाम? हम तो अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, आपको नहीं पता है जी? आप बताइएगा चाचा जी जाम के बारे में। जाम के बारे में 1.5 घंटा से है जी। यानी कि लंबा जाम लगा हुआ है। लंबा जाम है, अभी जाम होवे करेगा। हाँ, 1.25 घंटा हो गया। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे, क्या आप कुछ लोग बोलना चाहेंगे? बोलो बोलो, कितना कैसे हैं? देख रहे हैं आपकी छात्र जिनके साथ अन्याय हो रहा है, हम उनकी बात आपके तक पहुँचाने आए हैं। इस सरकार की वजह से छात्र भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। आपको जाम का एक रूप दिखाना चाहते हैं। छोटा मोटा जाम नहीं है, आप बने रहिए, हम आपको जाम दिखाते हैं। मोदी सरकार, वीडियो बनावा हो सर? हाँ सर। माइक ले आओ, माइक बोलिए बोलिए। हमको नौकरी चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। 4 साल के देख रहे हैं और देखिए क्या ये क्या कर दिया मोदी जी। आप इन युवाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ये गुंडागर्दी आप